अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि चुनाव के समय सरकार ने जनता से बीजेपी को विजय बनाने की बात कही थी और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सरकार ने सभी युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों के हितों की रक्षा करने की गारंटी दी थी। इसके साथ ही सीएम ने 127 करोड़ के कृषि उपज मंडी के काम, मंडी गोडाउन, व्यापार व्यवसाय के लिए छिंदवाड़ा सहित पूरे जबलपुर संभाग में पूरे प्रदेश में उद्योगों की श्रृंखला शुरू करने की भी बात कही। वहीं यह भी कहा कि प्रदेश में विकास को प्राथमिकता व सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। चुनाव के समर में जो जो वादे हमने हमारी सरकार के माध्यम से किए थे, हमने कहा था कि आप मदद करिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये सरकार यहाँ के सभी युवाओं के अरमानों का, सभी महिलाओं का, सभी किसानों का, सभी गरीबों के हितों की सारी रक्षा करने की गारंटी हमारी सरकार लेगी, ये हमने आश्वासन दिया था। और एक एक आश्वासन के ऊपर जो जो कहा था, किसी बात की कोई कमी कसर नहीं रहने दी जाएगी। आज ही 127 करोड़ के क्या कृषि उपज मंडी के काम, क्या मंडी गोडाउन या व्यापार व्यवसाय के लिए छिंदवाड़ा सहित पूरे जबलपुर संभाग में, पूरे प्रदेश में उद्योगों की मालिका लगाने वाले, विकास के मामले में स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, जो जो विकास की दरकार है, धीरे धीरे करके सारी की सारी मांगे पूरी की जाएगी। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। हम सब जानते हैं आज बदलते दौर में इतने प्रकार के काम हैं, आप अंदाज लगा लो, ये छिंदवाड़ा तो एक तरह से हमारे इस पूरे मध्य प्रदेश का मोर मुकुट है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, पानी के डैम की योजना चालू हो गई है, सबके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। जो जो डूब प्रभावित क्षेत्र के लोग थे, जिनको मुआवजा नहीं मिला, आप चिंता मत करना, सबका मुआवजा बन रहा है, कोई बाकी नहीं रहेगा, सबको लाभ दिलाया जाएगा जो जिसके खेत डूबे। लेकिन एक और बात, आपके माध्यम से लगभग 2 लाख नई नौकरियां प्रस्तावित कर रहे हैं। मैं जिला प्रशासन को आपके माध्यम से यहां संदेश देना चाह रहा हूं, आप सभी प्रकार की कोचिंग क्लासेस चालू कराएं, सभी प्रकार के बच्चों की ट्रेनिंग चालू कराएं, जो बेरोजगार है उनकी सूची बनाएं, जो जिस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहता है, पूरी मदद सरकार करेगी, उसका जीवन अच्छा बनाना ये हम सब की जवाबदारी। युवाओं के सपनों के पंख लगा करके वो जहां तक उड़ना चाहते हैं, हमारी सरकार मदद करेगी। जो बहन बेटी हमारी यहाँ बैठी है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहन बेटियों के माध्यम से सावन का महीना आने वाला है, आपकी सारी योजना समान रूप से जारी रहेगी, उस योजनाओं से बढ़कर और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी नई योजना प्रस्तावित करने वाले हैं, ताकि आप भी रोजगार हासिल करके आगे बढ़ सके। ये आपके जीवन में भी बड़ी लाभ की योजना हम देने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, ढेरों योजना है, जिन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने अपना बजट अभी तक के सारे बजट से 20% आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके आधार पे हम 5 साल के अंदर अपने बजट को डबल करेंगे। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार के आधार पर उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। सीएम हेल्पलाइन के, आप सीएम आवास जो आपको दिए गए थे, कोई कारण से किस्त नहीं भर पा रहा है, आप परेशान हैं, हमारी सरकार ने निर्णय किया है उनकी सारी किस्त भी सरकार भरेगी, उनके जीवन का ये कलंक मिटाने का काम भी हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। सबकी सूची बनवा रहे हैं। और तो और, तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हमने अपने सारे लोगों को बाहर भेजने का निर्णय किया है, लेकिन अब हमने निर्णय किया है प्रदेश के अंदर के भी तीर्थ, महाकाल महाराज, ओरछा के राजा राम का मंदिर, चित्रकूट, दतिया का पीतांबरा पीठ,
खजुराहो जैसे स्थान, सभी स्थानों पे तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हमारी सरकार सारे प्रदेश के लोगों के लिए इन योजनाओं का भी लाभ दिलाएगी। एक नहीं ऐसी सैकड़ों योजना बता सकता हूं, लेकिन आज तो विजय उत्सव का दिन है, आज ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपके माध्यम से आज होली दिवाली सारे त्योहार मन गए, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। अमरवाड़ा की जीत अद्भुत जीत है। और एक जानकारी दे रहा हूं, 18 तारीख से 45 दिन तक सभी किसानों को लेकर के किसी का नामांकन, बंटवारा, पटवारी संबंधित राजस्व न्यायालय के कोई भी प्रकरण लंबित होंगे, सारे के सारे अभियान लगा करके पूरी तौर पे जिला प्रशासन लगेगा, सबके अंदर मदद करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। और बहुत जल्दी दोबारा आकर के और नई सौगात आपके बीच मिलेगी। आप सब प्रेम से आए, आपका आभार। बोलो भारत माता की। राष्ट्र सर्वप्रथम।